अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईजे सोलर्स की एक और वीडियो के अंदर, एक और व्लॉग के अंदर खुश आमदीद। मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं इन्फो जानू यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज हम 6 किलोवाट का एक सिस्टम लगाने जा रहे हैं। तो ये नॉर्थ कराची का इलाका है, अजमेर नगरी का, नियर अजमेर नगरी। तो यहाँ पर ये सिस्टम लगा रहे हैं, तो इसकी कम्प्लीट वीडियो, कम्प्लीट डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, खास उनके साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। तो कंप्लीट डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी, इन्वर्टर कितने का लगाया है, ये सिस्टम पूरा कितने का इंस्टॉल हो रहा है। तो चलिए आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसके अलावा इन्वर्टर यहाँ पे कौन सा हमने इस्तेमाल किया है वो भी इंशाल्लाह आइए मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ। देखें जी, ये हमने होमेज कंपनी का इन्वर्टर इस्तेमाल किया है, 6 किलोवाट बोल सीरीज़ का ये इन्वर्टर है और बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है, पायदार इन्वर्टर है। तो इस वक्त इसको हमने के इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर दिया था। अब जैसे ही इसके अंदर जो है, तो जैसे ही इस पे पैनल्स हमारे हैंग हो जाएंगे और पैनल्स को फिर हम यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो उसके साथ ही ये डीपी बॉक्स है, मोरा का डीपी बॉक्स यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है। तमाम ब्रेकर्स जो हैं वो मोरा कंपनी के हैं, प्रोटेक्शन मोरा की है। दोनों चेंज ओवर आपको जो देखने को मिलेंगे वो मोरा कंपनी के हैं। इसके अलावा ये डीसी ब्रेकर्स हैं दो, और दो एसपीडीज हैं डीसी, क्योंकि यहाँ पे हमने अर्थिंग भी करवानी है। तो ये इसके अलावा बैटरीज हैं यहाँ पे, जो बैटरीज, बाकी चेंज ओवर्स भी आप अगर कंप्लीट डीपी बॉक्स हमसे लेना चाहते हैं तो ये भी हम ऑल ओवर पाकिस्तान में डिलीवरी करते हैं। तमाम चीज़ें आपको मोरा कंपनी की हम प्रोवाइड कर देंगे। बाकी इसके अलावा अगर आप भी इस तरह का कोई सिस्टम लगाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। हम ये सर्विस पूरे कराची में प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं, ये हम स्ट्रक्चर का काम इस वक्त जारी है और 12 पैनल्स हम यहाँ पे हैंग करेंगे, 6 उस साइड पर लगाएंगे, 6 इस साइड पर लगाना है। तो इस वक्त जो लोकेशन थी हमारी उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा सूटेबल जगह जो थी वो हमें यही नज़र आ रही थी। अगर मैं थोड़ा सा आपको कैमरे को इस तरफ करके दिखाऊं तो ये इनकी ओपन छत है और ये हमें ओपन ही रखनी थी, और यहाँ पे फिर ये जगह हमने सेलेक्ट की थी ताकि ये कि ये चढ़ के बासानी इसकी सफाई कर सकें, क्योंकि इसमें बीच में वॉकवे हमने बनाना नहीं था। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर पाइप हमने कौन सा इस्तेमाल किया है और कौन कौन सी क्या क्या गार्डर हैं, और इसके अलावा और जो गोल पाइप हैं, चकोर पाइप हैं, वो किस गेज के हमने इस्तेमाल किए। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये पिलर पाइप दिखाऊं, ये 4 इंची का है और 14 गेज के अंदर है। तो इसकी पाइप की ख़ास बात एक ये है कि इसमें लचक बिल्कुल भी नहीं आती और इसके ऊपर आप बआसानी भारी से भारी गार्डर लगा सकते हैं। तो ऊपर भी जो आप देखेंगे, जो मेन हमने बेस गार्डर जिसको कहते हैं हम, वो जो हमने इस्तेमाल किया है वो 3500 के नाम से ये आता है। मुख्तलिफ इसके नाम होते हैं जिसमें मुग़ल भी होता है और इसके अलावा आसिफ वगैरह का भी आता है। तो भारी गार्डर है ये। इसी तरीके से इसके ऊपर जो ये आपको पाइप नज़र आ रहे हैं, ये वाला जो पाइप है जिसके ऊपर हम ये पैनल हैंग कर रहे हैं, तो ये 1.5x3 का साइज़ है चकोर पाइप का, और ये 14 गेज के अंदर पाइप लिया है हमने। तो इसको लगाने का मकसद भी सिर्फ यही है कि इसके अंदर बीच में जो लचक है वो ख़त्म हो जाए। इसी तरीके से ये आप दूसरी साइड देख सकते हैं, तो बीच में भी एक सपोर्ट दी हमने और उसी गार्डर की दी ताकि ये बीच में अगर थोड़ी बहुत जो लचक है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो ये इस वक्त हमारा स्ट्रक्चर है। पैनल इस वक्त हम ऊपर चढ़ा रहे हैं, इसको पैनल लगा रहे हैं ऊपर, एक 1x1 करके। तो अभी इसके बाद हम इसके ऊपर अस्तर मारेंगे ताकि ये जंग वंग ना आए, क्योंकि इस वक्त बारिश का मौसम भी चल रहा है तो कुछ भरोसा नहीं होता कि हल्की सी बारिश या फुहार वगैरह पड़नी शुरू हो जाए। तो
स्ट्रक्चर का जब भी काम करवाएं, अच्छा काम करवाएं, भारी काम करवाएं, ताकि 25 से 30 साल ये आपके पैनल के साथ लाइफ गुजार सके। आपको इसके जो वेल्डिंग है वो भी अगर मैं आपको दिखाता चलूं, तो ये देख रहे हैं आप, ये स्पॉट वेल्डिंग यहाँ पे नहीं की हुई हमने, ये प्रॉपर वेल्डिंग हुई हुई और मुकम्मल वेल्डिंग हुई हुई है चारों साइड से। तो किसी भी स्ट्रक्चर वाले से काम करवाएं, किसी भी सोलर वाले से काम करवाएं, तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें कि भाई मुकम्मल वेल्डिंग करो, स्पॉट वेल्डिंग ना करो। उसमें ये होता है कि जब कुछ अरसे के बाद उसके ऊपर लोड पड़ता है, टांके टूट जाते हैं, तो दोबारा आपको जो है ना फिर वो नए सिरे से काम करवाना पड़ता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो गोल पाइप है इसके ऊपर जो प्लेट लगाई हुई है वो भी किस तरीके से वेल्ड हुई हुई है। तो ये बहुत ही बारीक पॉइंट्स होते हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। लोड की अगर बात करें तो आप इस सिस्टम के ऊपर अपने घर की क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं वो स्क्रीन के ऊपर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। तब तक हम चाय का वक्फा लेते हैं। अच्छा, पैनल्स के हवाले से भी बताऊं आपको, तो ये जिनको कंपनी का एन टाइप का पैनल है और 575 वॉट का है, ये इसका स्टिकर है। तो ये टोटल तकरीबन 12 पैनल्स हैं, कुछ हमने हैंग कर दिए हैं, कुछ का सिलसिला अभी जारी है हैंग करने का। हैंग भी जो हमने किए हैं तो गैलोनाइज बोल्ट का इस्तेमाल किया है, और साथ में टी और एस जो अल्मीनियम के क्लिप आते हैं पैनल को हैंग करने के लिए, तो वहाँ ये इस्तेमाल किए गए। तो ये हमारा एक ऊपर का लुक है। ये बीच में जो आपको ये वाला गैप जो नज़र आ रहा है, ये हमने इनको वॉक करने के लिए दिया है यहाँ पे, कि बासानी आप इजीली इसको जो है चल फिर के आप इन पैनल्स की सफाई कर सकते हैं। तो ये है जी हमारा स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का कंटेंट आप तक बरवक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।